Hello everyone, my name is Amandeep Singh. So in this video, we're going to discuss the next part of aptitude, which is based on clocks. Clocks का topic जो है वो time and distance में भी पढ़ाया जाता है और ये जो topic है ये कई बार पढ़ाया जाता है आपको logical reasoning में. So LR में और time and distance में दो जगह पे topic cover होता है. Approach दोनों में अलग अलग use किया जाता है, हम दोनों approach की बात करेंगे. देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लॉक में करना क्या है. क्लॉक में मुझे मालूम है कि यहाँ पे क्लॉक में तीन टाइप के हैंड होते हैं. वन इज दी मिनट हैंड, राइट, एक होता है मिनट हैंड. वन इज दी आर एंड, एक आर एंड होता है, राइट. सो वी आर टू टाइप्स ऑफ हैंड, मिनट हैंड, आर एंड, जो मेजरली हमें यूज करते हैं. थर्ड हैंड भी होता है, ठीक है. तो एक आपके पास मिनट हैंड है, यू हैव एन आर एंड, एंड यू हैव अ सेकेंड हैंड. सेकेंड हैंड आपके पास होता है, राइट. अगर हम बात करें आर एंड की, सो आर एंड होता है एक मिनट हैंड होता है, और अगर बात करें वी हैव अ सेकेंड हैंड. कौन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं और इनका स्पीड क्या है वो समझ लेते हैं. आप मुझे इतना बताइए, अगर मिनट हैंड की बात करते हैं या आर एंड की बात करते हैं, मुझे इतना मालूम है कि टोटल मिला के जो घड़ी है वो 360 डिग्री के एंगल पे बनी हुई है ना. अगर इस पॉइंट के आसपास में सारा एंगल निकालता हूँ तो कितना मिलता है, ये मिलता है 360 डिग्री. और ये टोटल 12 डिवीजन है, इसका मतलब है एक डिवीजन कितने का हो जाएगा, एक डिवीजन हो जाएगा 30 डिग्री का. मतलब ये 30 होगा 12 के रिस्पेक्ट में. 12 के रिस्पेक्ट में ये 30 है, 60 है, ये 90 है. 12 के रिस्पेक्ट में ये 120 है. 12 के रिस्पेक्ट में ये 150 है. 12 के रिस्पेक्ट में ये 180 है, और ये 210 है, ये 240 है, एंड सो ऑन ही चलता रहेगा. सो टोटल मिला के अगर हम बात करेंगे, सो टोटल मिला के हम आ जाएंगे 360 डिग्री पे, या बोल सकते हैं 0 डिग्री पे, राइट. अगर आर एंड की बात करें, सो आर एंड जो है अगर अभी 3 पर है तो एक घंटे बाद कहाँ पे आ जाएगा, एक घंटे बाद 4 पे आ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि आर एंड जो है अगर अभी 3 पे था और एक घंटे बाद 4 पे आएगा, यानी कितना डिग्री ट्रेवल करेगा, वो ट्रैवल करेगा 30 डिग्री. और 30 डिग्री ट्रेवल करने के लिए उसने 60 मिनट लगा लिए, यानी आई कैन राइट उसका स्पीड क्या होगा, उसका स्पीड होगा हाफ डिग्री पर मिनट, ऐसा बोल सकते हैं. अगर मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड जो है अगर अभी 2 पर है तो एक घंटे के बाद वापस वो 2 पर आ जाएगा घूम के. मतलब कितना ट्रैवल करेगा, वो ट्रैवल करेगा 360 डिग्री, और टोटल लगेंगे 60 मिनट. मतलब उसका स्पीड होगा 6 डिग्री पर मिनट, ऐसा बोल सकते हैं. और अगर सेकेंड हैंड की बात करें तो सेकेंड हैंड की तो यहाँ पे स्पीड हम पर मिनट में निकाल रहे हैं, तो 1 मिनट में तो वो चलता ही 360 है. सो सेकेंड हैंड जो है वो पूरा घूम के आता है 1 मिनट में, यानी 360 डिग्री इन 1 मिनट, राइट. 360 डिग्री पर मिनट उसका स्पीड बन गया. ये इनकी स्पीड आ गई. तो अगर स्पीड मुझे पूछता है बताइए इनकी स्पीड क्या है, तो स्पीड आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन जो होंगे वो बेस्ड होंगे और जो हम सॉल्व करेंगे रिलेटिव स्पीड की हेल्प से, और हम बात करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से. ये स्पीड तो हमने फाइंड कर ली है ना, इन्हीं का यूज करेंगे हम रिलेटिव स्पीड के लिए, और हम बात करेंगे क्वेश्चन की. देखिए, पहली चीज तो ये कि अगर इनकी स्पीड का रेशियो निकाल लिया जाए तो क्वेश्चन काफी ईजी हो जाएंगे. आर की बात करते हैं, मिनट की बात करते हैं, और सेकंड की बात करते हैं. आर का स्पीड होता है हाफ डिग्री पर मिनट, मिनट का हो गया 6 डिग्री पर मिनट, और सेकंड का हो गया 360 डिग्री पर मिनट. यानी आई कैन सिंप्लीफाई द रेशियो एज 1:2, 12:2, 720. तो कोई अगर मुझे ये बोलता है कि बताइए अगर आर चलता है 12 डिग्री तो उस उतनी देर के अंदर सेकेंड कितना चलेगा, अगर R एंड मूव हुआ 12 डिग्री तो ये कितना मूव करेगा, आराम से निकाल सकते हैं. वो आ जाएगा 12 × 720, गिव योर आंसर जो भी आपका आएगा निकाल सकते हैं, है ना. तो ये रेशियो जो है ये भी काम का है आपका, यानी जो स्पीड्स हैं इसी के हेल्प से हमने निकाला है, ये याद रखना है, ठीक है. अब हम बात करते हैं इनके रिलेटिव स्पीड की, बिकॉज जब हम क्वेश्चन करेंगे कि आपको टाइम जब पूछा होगा कि बताइए 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में एंगल 180 का बनता है, तो वो कैसे निकालेंगे, वहां पे रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आएगा, वो हम समझ लेते हैं. देखिए, मान लेते हैं अगर अभी हैंड दिया हुआ है मिनट हैंड और एक दिया हुआ है आर हैंड, सो इसका स्पीड कितना होता है, इसका स्पीड होता है 6 डिग्री पर मिनट, और इसका स्पीड कितना होता है, इसका स्पीड होता है हाफ डिग्री पर मिनट. रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना मूव कर रहे हैं वो हम निकालते हैं. टाइम एंड डिस्टेंस में समझाया जा चुका है, और डायरेक्शन यहाँ पे सेम है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट, क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड, इनके डिफरेंस है 6 − 1/2, दिस गिव यू 11/2 डिग्री पर मिनट. मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये लोग 11/2 डिग्री पर मिनट मूव करते हैं, और आई कैन से 5.5 डिग्री पर मिनट मूव करते हैं, राइट.
मतलब एक मिनट के अंदर जो दोनों के बीच में गैप होता है वो 5.5 मिनट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, डिपेंड करेगा डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। तो इतना है रखना है कि ये इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी है, 5.5 डिग्री पर मिनट और 11/2 डिग्री पर मिनट। फिलहाल तो थोड़ी देर में इसका यूज नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियोज में काम आएगा। अभी क्वेश्चन किस टाइप से होंगे वो समझ लेते हैं, है ना। तो ये हमको समझ में आ गया है, दोनों की स्पीड्स है 6 डिग्री पर मिनट मिनट हैंड की, और आर एंड की बात करें तो आर एंड का हमारा स्पीड कितना आ गया, 1/2 डिग्री पर मिनट। इसका हमें यूज करके क्वेश्चन को क्रैक करना होगा, किस टाइप के समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आता है कि फाइंडिंग एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, आपको एंगल निकालना है। अब एंगल निकालना है तो दो चीजें होंगी, एक तो होगा बाय बेसिक जो हमने सीखा अभी रिलेटिव स्पीड वाला मेथड वो, या नॉर्मल स्पीड वाला मेथड वो, और बात करें दूसरा तो हो जाएगा फॉर्मूला मेथड। दोनों के बारे में बात करेंगे। एग्जांपल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक है 8:20, 8:20 में कितना एंगल होगा ये पूछ लिया आपसे। तो आप मुझे इतना बताइए, अगर हम 8:20 की बात करें, पहले 8 बजे कितना एंगल होता है वो सोचते हैं। सो 8 बजे कितना एंगल होगा ये बात कर लेते हैं। ये एंगल मुझे मालूम है, अगर इधर से मेजर किया जाए तो याद आएगा 240 कैसे आ जाएगा ये मैं समझाता देखो, राइट। ये लिखा हुआ था अपने यहाँ पे कि 12 के रिस्पेक्ट में अगर हम नापे है ना, इसको फिक्स करके यहाँ पे ये कितना एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा 240, ये हमने मेजर किया था, राइट। सो ये मुझे मालूम है ये एंगल अभी फिलहाल यहाँ से 240 है। बोला बताइए 8:20 पे कितना एंगल होगा, इसका मतलब है 20 मिनट मूव करना है इसको और 20 मिनट मूव करना है इसको, यानी मिनट हैंड मूव करेगा 20 मिनट, और मिनट हैंड की स्पीड कितनी होती है, मिनट हैंड का स्पीड होता है 6 डिग्री इन 1 मिनट, देयरफॉर वो 20 मिनट्स में कितना मूव करेगा, 20 × 6 दिस गिव यू 120 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं 120 डिग्री ये मूव कर जाएगा। और अगर बात करें आर एन की, सो आर एन कितना मूव करेगा, आर एन का स्पीड होता है 1/2 डिग्री पर मिनट और 20 मिनट्स हैं आपके पास, सो 20 × 1/2 दिस गिव यू 10 डिग्री मूव करेगा टोटल मिला के, सो 10 डिग्री ये मूव कर रहा है, यानी फाइनल पोजीशन बन के आ रही है। और आंसर कैसे निकालेंगे वो समझ लेते हैं। अगर फाइनल पोजीशन की बात करें मतलब अल्टीमेटली ये हो गया कि मिनट हैंड जो है वो आ चुका है इधर इस पोजीशन पे, वो आ चुका है यहाँ पे, राइट। और जो आर एंड है वो कहाँ पहुंच चुका है, थोड़ा सा आगे निकल चुका है। सो अब एंगल क्या होगा ये पूछा है आपसे, तो इतना बताइए अभी कितना एंगल है, अभी फिलहाल एंगल था 240 8 बजे। तो ये जब आर एंड मूव करेगा तो एंगल बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये अवे जा रहा है, तो एंगल कितना बढ़ जाएगा जितना वो चलेगा, और आर एंड कितना मूव कर रहा है 10 डिग्री, यानी करके अंदर राइट प्लस 10 हो जाएगा। लेकिन मिनट एंड जो है ये पीछे से आएगा और ये जो टोटल एंगल था राइट इसे कम करना स्टार्ट कर देगा, कम करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब है कितना करना पड़ेगा, माइनस के 120। ये समझ में आ रहा है आपको कि एक्चुअली करना क्या है, करना ये है कि पहले कौन कितना चल रहा है वो निकाल लिया हमने। सो ये टोटल एंगल यहां से यहां तक पहले था कितना 240, और ये आगे आगे यानी कम हो गया, अब कितना एंगल बचा है 240 में से 120 गया, तो कितना बचा 120, और ये थोड़ा सा आगे निकल गया बाद में, कितना आगे निकल गया, ये निकल गया 10 डिग्री। तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 130 डिग्री इनके बीच का एंगल बनना चाहिए, राइट। तो ये प्लस माइनस करना है, इन शॉर्ट कैसे भी कर सकते हैं वो, तो यहां से समझिए फिर से एक बार कि अगर हम बात करें एंगल था क्या, एंगल जो था वो था आपका यहाँ पे कितना, ये एंगल था यहाँ पे 240, फिर ये यहाँ पे आ गया तो कितना एंगल चल गया, ये हो गया 120। तो 240 था, 120 कवर हो चुका है, तो बचा कितना, बचा है 120, लेकिन ये आगे निकल चुका है कितना डिग्री, 10 डिग्री। इसका मतलब है कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा स्ट्रेट अवे 130, ऐसा बोल सकते हैं। बस ये निकालना आपको आना चाहिए कि 120 निकाला मैंने कैसे और 10 निकाला कैसे, राइट। सो लेट्स मूव ऑन, इसमें समझते हैं फॉर्मूला मेथड। इसी को निकालने का फॉर्मूला होता है कि अगर फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है, देन फॉर्मूला मेथड सेज कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, एंड द फॉर्मूला इज थीटा इज गिवन बाय 11/2m माइनस 30 × h का मॉड, ठीक है। व्हाट इज m, m का मतलब होता है कितने मिनट्स हैं, और h का मतलब होता है कितने आवर्स है। डिजिटल क्लॉक की बात करो, डिजिटल वॉच में अगर हम बात करें, डिजिटल वॉच में hh इज टू mm इज टू सेकंड्स होते हैं यहां पे, राइट। तो आर कितना है, आर हमारा है 8, तो यहाँ आ जाएगा 11/2, मिनट्स आपके 20 है, आवर्स आपके 8 है, इसका मॉड निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा 110 माइनस 240 का मॉड, जिसकी भी मॉड ऑफ 130, तो आंसर कितना आ जाएगा 130 डिग्री। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं एंगल अगर आपको टाइम दिया हुआ है तो, राइट। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल,
नाउ वी आर फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 6:10 6:10 पे कितना एंगल होगा ये पूछा है. तो पहले काम करो 6 बजे कितना है ये सोच लो. 6 बजे तो मुझे मालूम है ये एंगल कितना होता है, ये होता है 180. अब ये एंगल 180 है और 6:10 है, ये आगे आ जाएगा. तो ये मिनट हैंड जो है उसकी स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट और ये 10 मिनट चलेगा तो कितना चलेगा 60 मिनट, 60 डिग्री. तो 60 डिग्री कम हो गया यानी कितना बचा, ये बचा है 120. लेकिन आर एंड जो ये आगे निकल जाएगा थोड़ा सा, इतना नहीं थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, तो आर एंड की स्पीड होती है 1/2 डिग्री और उसके पास 10 मिनट्स है यानी कहना राइट 5 डिग्री आगे निकल जाएगा. तो जो 120 बचा था उसमें 5 ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना होना चाहिए, आंसर हो जाएगा 125 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं. सो 125 डिग्री का एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में. अब इसी को अगर फॉर्मूले की हेल्प से करें तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 11/2m-30 × h. मिनट्स की वैल्यू यहाँ पे बचो 10 है और आर की वैल्यू यहाँ पे 6 है. ये एक समझ में आया है ना, मिनट्स मतलब ये, सॉरी ये मिनट्स हो गए, ये आपके हो गए आर. सो यहाँ पे आपको मिल गया 55 - 180, तो आपको मिल जाएगा 125 डिग्री, राइट 50, 60, 70, 80 करेक्ट. तो 125 डिग्री का एंगल बन जाएगा इनके बीच में. तो एक हो गया फॉर्मूला मेथड, एक हो गया लॉजिकल मेथड. तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन कि 750 पे क्या एंगल होगा. अब अगर 750 की बात करें यानी काम करते हैं पहले 7 बजे कितना एंगल है वो देख लेते हैं. तो 7 बजे की अगर बात करें तो 7 बजे एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 210 डिग्री, है ना, 210 डिग्री फिलहाल एंगल है. अब ये 50 मिनट है आपके पास. सो 50 मिनट की अगर बात करें तो किसी को भी पिक कर लो, आपको मालूम है 50 मिनट में ये जो मिनट हैंड है इस बार ओवरटेक कर जाएगा. तो अगर आप पहले आर को निकालो तो ईजी हो जाएगा. सो आर एंड की अगर बात करें उसका स्पीड होता है 1/2 डिग्री पर मिनट और ये 50 मिनट में कितना आगे निकल जाएगा, ये आगे निकल जाएगा 25 डिग्री. मतलब अगर नई पोजीशन की बात करें तो नई पोजीशन उसकी ये होगी 25 डिग्री आगे निकल चुका होगा, राइट. सो अब कितना एंगल हो गया होगा, 210 था और 25 उसमें जुड़ गया, मतलब अभी एंगल हो गया 235. लेकिन ये पीछे से आया आप मिनट हैंड और मिनट हैंड जो है उसकी स्पीड होती है 6 डिग्री, 50 मिनट है उसके पास और 300 डिग्री चले जाएगा. मतलब यहां तक देखा जाए ये टोटल अभी एंगल ही 235 था, तो 235 को क्रॉस करते हुए ये आगे और निकल जाएगा फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा. तो बताइए कितना हो जाएगा, 235 पॉजिटिव था और उसमें से करना पड़ेगा 300 माइनस, फिर जीबी कितना 65 डिग्री आ जाएगा, माइनस में आएगा. पर ठीक है, समझ में आ रहा है कि एंगल माइनस में नहीं होगा. कहने का मतलब है कि अभी यहाँ तक का एंगल था 235 और ये मूव करना स्टार्ट करता है, मूव करते 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 यहाँ तक आएगा और इस नई पोजीशन को भी ओवरटेक कर जाएगा. तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, यहाँ बनेगा 65 डिग्री. तो एंगल कितना आएगा, 65 डिग्री, राइट. अब इसी को अगर फॉर्मूले की हेल्प करें तो फॉर्मूला मेथड कहता है 11/2m-30 × h का मॉड डाल दीजिए, यहाँ से भी आंसर आना चाहिए. 11/2 × 50 - 30 × 7, दिस गिव यू 11 × 25 - 210 का मॉड, दिस गिव यू 275 - 210, इससे आपका आंसर आ जाएगा 65 डिग्री. मतलब अगर हम 750 की बात करें तो 750 के आसपास जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये एंगल 65 डिग्री होगा, राइट. इस टाइप से एंगल निकल जाएगा. सो एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं क्विकली फटाफट कि 4:15 पे कितना एंगल होगा, 4:15 पे कितना एंगल बनने वाला है. तो अगर 4 बजे की बात करें तो 4 बजे बच्चों कितना एंगल होता है, 4 बजे एंगल होता है यहाँ पे 120, है ना, बिकॉज ये यहाँ पे इंटू 30 कर दिया. फिलहाल एंगल 120 है. 50 मिनट की बात करें तो अगर मिनट हैंड की बात करते हैं उसका स्पीड होता है 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट उसकी स्पीड है और 6 के हिसाब से 15 मिनट में कितना चलेगा, वो चलेगा 90. मतलब वो एंगल यहाँ पे आ चुका होगा, राइट. एग्जैक्ट 3 पे होगा, थोड़ा यहाँ मेरे से बन गया है. तो जो एंगल 120 था, 120 में से 90 चला गया तो बचा कितना, 30. लेकिन थोड़ा ये भी आगे निकल चुका होगा यानी ये इसमें ऐड करेगा थोड़ा बहुत. अब तो बताइए आर एंड की बात करें इसका स्पीड होता है 1/2 डिग्री पर मिनट, वो कितना आगे मूव कर जाएगा, यानी 1/2 × हो जाएगा 15, दिस गिव यू 7.5, यानी 7.5 थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, दिस गिव यू 7.5 ऐड कर दीजिए, सो आंसर आएगा 37.5 डिग्री. तो 4:15 में एंगल कितना होता है, 37.5 डिग्री होता है.